नमस्कार, आज हमारे साथ है देवपत्र पत्रिका के संपादक श्रीमान विकास दवे जी। माननीय, आपको सबसे पहले हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। पिछले महीने विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चिन्मय, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मॉरिशस में अपनी राष्ट्रभाषा के नाम पर हिंदी सम्मेलन का मॉरिशस जैसे देश में संपन्न होना, है ना, ये अपने आप में अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे देशों के लोग अपनी भाषा को पूछ रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोग जब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इन दिनों पूरा जो विज्ञान है वो कह रहा है कि अपना ये जो कंप्यूटर है, जितने एप्स हैं, जितनी लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, ये जितने सब हैं, इन यंत्रों को काम करने में सबसे ज्यादा सुविधा संस्कृत और हिंदी में ही है, है ना। उसका कारण कैसा रहता है कि हम जो लिखते हैं वही हम बोलते भी हैं, और जो हम बोलते हैं वैसा का वैसा उसका उच्चारण होता है, वैसा का वैसा उसका लिखना होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, है ना। आप लोग जैसे कभी कभी मजाक में कहते हैं ना कि BUT तो बट होता है और CAT केट होता है, है ना, PUT पुट होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है ना, यू का उपयोग हुआ PUT पुट हो गया और BUT बट हो गया, बूट नहीं होता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, संस्कृत में भी ऐसा नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि अपनी जो भाषा को मान सम्मान वहां पर विदेश में मिला है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं आप जैसे बच्चों से सबसे ये कहना चाहता हूं कि हिंदी की सबसे बड़ी सेवा हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम हिंदी में सबसे ज्यादा लिखना और पढ़ना शुरू करें। क्योंकि आपने विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की है तो आप लोगों को मैं बताऊं कि UNO का एक रेडियो आप सब सुनते हैं, है ना, अपने ज्ञानकृति विद्यालय के सब बच्चे सुनते हैं, मुझे पता लगा है। बहुत अच्छा प्रयोग इस विद्यालय ने किया और मुझे लगता है कि पहला विद्यालय है, आप लोगों का सौभाग्य है कि अपना विद्यालय ये प्रयोग कर रहा है ना। तो इस UNO ने बहुत लंबे समय से इस बात पर कुछ शोध किए थे, आप बच्चों पर, है ना, पूरी दुनिया भर के बच्चे, अपने भारत के भी बच्चे थे और विश्व भर के सारे देशों के बच्चों पर कुछ शोध किए थे, रिसर्च किए थे। उसमें उन्होंने कहा कि आपकी जो पीढ़ी है ना, छोटे छोटे बच्चों की, ये जो बड़ी हो रही है, तो अब एक भयंकर विभीषिका शब्द प्रयोग किया उन्होंने, एक भयंकर विभीषिका आने वाली। विभीषिका किसको कहते हैं? जो संस्कृति पर, मानवता पर आक्रमण होता है उसको विभीषिका कहते हैं। लेकिन UNO ने यह शब्द प्रयोग किया, उसने कहा कि ये जो नई पीढ़ी है, हम जो बच्चे हैं ना, अब थोड़े वर्षों के बाद हम लोग अब केवल व्यूअर और लिसनर बन करके रह जाएंगे, है ना। ये दो शब्द प्रयोग किए उन्होंने। ये क्यों कहा पता है आपको? क्योंकि हम केवल व्यूअर, आंख का उपयोग करते हैं, देखते रहते हैं, दिन भर TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, लिसनर, कान से सुनते रहते हैं, है ना, ईयरफोन लगा लेंगे, मोबाइल से गाने सुनते हैं, लैपटॉप से सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं। तो अब ये दो काम तो हम बच्चे बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है वो क्या हो रही है, हमने पढ़ना बंद कर दिया, है ना। तो हिंदी की सबसे बड़ी सेवा मेरा आपसे निवेदन क्या है कि एक तो पढ़ना शुरू रखो, है ना, पढ़ाई भी करना है, और दूसरा लिखना जारी रखना है। लिखने में आलस्य बिल्कुल नहीं करना है हम सबको, इस बात की चिंता करना है, ध्यान रहेगा ना चिन्मय। हिंदी के प्रचार के लिए ज्ञानकृति ने भी कई कदम उठाए हैं, जैसे कि हम UN का साप्ताहिक हिंदी समाचार सुनते हैं। इस साप्ताहिक समाचार को पसंद किया जाता है तो वे इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी चर्चा तो मैंने की ही थी आपसे और आपने ये प्रश्न किया है, तो वास्तव में एक काम तो ये आप जो कर रहे हैं ये अपनी भाषा की बहुत बड़ी सेवा है, है ना, कि हमको UN वाला जो रेडियो है उस पर हिंदी का एक जो थोड़ा सा हिस्सा आता है उसको सुनना चाहिए। एक तो ये तरीका होता है भाषा की सेवा का। दूसरा, अपनी भाषा को सुधारने के लिए हमको कुछ अच्छे चैनल अब शुरू हुए हैं। आप अभी तो छोटे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे चैनल लगते होंगे, पोगो देखना अच्छा लगता है, है ना, और किड्स वाले जो जितने भी होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एनिमेशन फिल्में बहुत ज्यादा नहीं देखना, आंखों का नुकसान करती है, डॉक्टर्स ने भी कहा है ना, इसलिए एनिमेशन फिल्में देखना लेकिन थोड़ी कम देखना। लेकिन कुछ चैनल इतने अच्छे हैं, जैसे अभी डिस्कवरी के कुछ चैनल है, डिस्कवरी के चैनल को हमको इसलिए देखना और सुनना चाहिए कि उनकी जो भाषा है, चैनल तो विदेश के हैं
लेकिन वो जो हिंदी में अनुवाद करते हैं वो इतना अच्छा अनुवाद करते हैं कि हमको ध्यान में आता है कि अरे वाह, हमारी भाषा को हम तो इतना अच्छा नहीं बोलते, विदेश के लोगों ने कितने अच्छे से हमारी भाषा का अनुवाद किया है। फिर एक चैनल इन दिनों आता है, इपिक चैनल, मैं चाहूंगा कि वो चैनल भी अवश्य देखिए, है ना। पहले क्या होता था, हमारे घर में दादी नानी होती थी, दादाजी नाना जी होते थे, बड़े होते थे, तो वो सब क्या करते थे कि वो हमको कहानियां सुनाते थे। तो हम सबको रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब अपने दादा दादी और नाना नानी से मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि दादा दादी नाना नानी या तो अपने साथ नहीं रहते हैं, रहते हैं तो गाँव में रहते हैं, पापा मम्मी को वो सब कहानी आती नहीं है, वो सुना नहीं पाते हैं, आती भी है तो उनके पास समय नहीं रहता है, कई बार दोनों को सर्विस करना होती है, दोनों को कुछ काम रहते हैं, है ना, व्यस्तता रहती है। तो ये जो इपिक चैनल है, इस पर आपको अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई सारी कथाएं मिल जाती है। तो चैनल देखें तो एक तो इपिक चैनल देखना एक बार, दूसरा कहीं से अगर मिल सके तो चित्रकथाएं पढ़ना, आप सबको बहुत अच्छा लगता है ना, तो चित्रकथाओं में ये जो बाहर के विदेशों के पात्र है, है ना, ये सारा फैंटम होते हैं, सुपरमैन होते हैं, बैटमैन होते हैं, वगैरह वगैरह जितने हैं सारे प्रकार के मैन, इनके बजाय अमर चित्रकथा पढ़ने की कोशिश करना, है ना। तो अमर चित्रकथा पढ़ने से क्या होता है कि अपनी संस्कृति के भी निकट रहते हैं, उनको हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी होता है, और इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, तो चित्रकथा है, कॉमिक्स पैटर्न पर है वो पूरी की पूरी। तो आगे से घर जाकर के अपने पापा मम्मी को भी बताना ये बात कि हमको अमर चित्रकथाएं ला करके देना आप कहीं से भी, ठीक है ना। देवपुत्र जैसी पत्रिकाएं भी है, हम भी इसमें प्रयास करते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए और ऐसे कुछ प्रसंग, ऐसी कुछ रचनाएं आपके लिए हम देते हैं, ऐसी पत्रिकाएं भी पढ़ सकते हैं और अमर चित्र कथाएं जरूर पढ़ना, है ना। देवपुत्र की प्रकाशन कब हुई, इसके पीछे आपके क्या विचार थे? आज देवपुत्र की प्रकाशन संख्या कितनी है और भविष्य की क्या योजना है? आप सबको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि अपनी ये जो देवपुत्र पत्रिका है, है ना, इस पत्रिका की प्रसार संख्या इस समय सबसे ज्यादा है, भारत में तो सबसे ज्यादा है ही, इससे पहले अपन ने विश्व कीर्तिमान भी बनाया है, जिसको आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते हो ना, सर्कुलेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इस पत्रिका ने, 371,000 तक हर महीने निकला करती थी, है ना। और वो सब केवल इसलिए होता है कि आप सब बच्चे इस पत्रिका को पढ़ते हैं। तो देवपुत्र पत्रिका का मूल उद्देश्य अभी थोड़ी सी चर्चा पहले हुई वही रहता है, हम चाहते हैं कि पहला हमारा उद्देश्य रहता है बच्चों में राष्ट्रभक्ति आना चाहिए, है ना, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति हमारे मन में थोड़ी सी संवेदना जागे, है ना। अपने घर परिवार से हम जितना प्रेम करते हैं, अपनी माँ से हम जितना प्रेम करते हैं, इतना ही प्रेम हम अपनी भारत माता से भी करें, पहला उद्देश्य तो ये रहता है हमारे देवपुत्र पत्रिका का। दूसरा उद्देश्य मैंने अभी जो पहले कहा था कि अपनी संस्कृति बहुत बड़ी है, बहुत विराट है ना, तो उस संस्कृति को भी हमको जानना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम में से कितने बच्चों को पता रहता है कि ये जो हम स्वस्तिक बनाते हैं, जिसको हम घर में सात्या बोलते हैं, ये क्या होता है, हमको नहीं पता रहता है। श्री लिखते हैं अपने घर के बाहर, टाइल्स भी लगी रहती है, भगवान के चित्रों पर भी ओम लिखा रहता है, ओम क्या है हमको नहीं पता रहता है। हम कई बार देखते हैं ना, घरों में घुसते हैं तो शुभ और लाभ लिखा रहता है, इसका क्या अर्थ होता है? तो भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है ना, यज्ञ हमारे यहाँ पर होते हैं, हमारे यहाँ पर ईश्वर को हम मानते हैं, तो भगवान कौन कौन से हैं, उनके जन्म की कथाएं कैसी है, उन्होंने कैसे उस जमाने के जो विलेन थे, है ना, जो बुरी शक्तियां थी, उन सब बुरी शक्तियों को कैसे परास्त किया, कैसे समाप्त किया, है ना। कृष्ण तो आपकी उम्र के ही थे, छोटे छोटे से थे, है ना, लेकिन कृष्ण ने कितने राक्षसों को मारा, कभी बकासुर का वध किया, कभी किसी का वध किया, ढेरों सारे राक्षसों को। राम लक्ष्मण ये भी छोटे छोटे से थे, गुरु के यहाँ पढ़ने ही जा रहे थे आपकी उम्र में, उस समय ताड़का मिली तो ताड़का को मार दिया उन्होंने। तो बुरी शक्तियों को समाप्त करना, अपने देश की, समाज की, संस्कृति की रक्षा करना, ऐसी सारी सामग्रियां भी हम सब देवपुत्र के माध्यम से देने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप लोग प्रयास करना कि ऐसी सामग्री देवपुत्र के माध्यम से भी आपको मिले और अन्य किसी पुस्तकों से भी प्राप्त हो, तो उनको पढ़ने की कोशिश करना, उनको समझने की कोशिश करना, हमारा ये उद्देश्य है। देवपुत्र का आगे की योजना का बेटा आपने पूछा है ना, कि देवपुत्र के आगे के लिए क्या करना चाहते हैं, तो आगे के लिए भी हमारी योजना स्पष्ट है, ये जो उद्देश्य है ये तो उद्देश्य यथावत रहेंगे, है ना। कई बार आप जैसे बच्चे फरमाइश करते हैं, है ना, उनकी इच्छा रहती है कि आप सुपरमैन बैटमैन क्यों नहीं छापते, है ना, और कई बार पूछते हैं कि हमको साबू तो इसमें दिखाई नहीं देता, साबू पता है ना आपको कौन था, है ना, साबू कौन था पता है ना, चाचा चौधरी, साबू,
तो कभी आपको हम किससे सुनाएंगे कि चाचा चौधरी से ज्यादा बुद्धिमान लोग अपने यहाँ पर हुए, क्रांतिकारी लाला हरदयाल की कहानी कभी जब फुर्सत रहेगी तब आपको सुनाऊंगा, है ना, स्कूल में आकर के। तो लाला हरदयाल चाचा चौधरी से ज्यादा बुद्धिमान थे। महाराणा प्रताप जो है वो साबू से ज्यादा शक्तिशाली थे। महाराणा प्रताप जो सिर पे पहनते थे उनका भाला 90 किलो का होता था, ये सब म्यूजियम में रखे हुए हैं। उनका यहाँ जो बख्तरबंद पहनते थे वो 280 किलो का होता था। चित्तौड़ के म्यूजियम में आप कभी जाओगे ना, हल्दीघाटी के म्यूजियम में, तो सब चीजें मिलेगी देखने को। तो जो व्यक्ति अपने पूरे शरीर पर युद्ध लड़ते समय घोड़े पर बैठ करके जब युद्ध लड़ते थे उस समय 350 किलो वजन उनके शरीर पे होता था, है ना। और जब उन्होंने उस मुगल राजा को मारा था, सेनापति को मारा था, तो उसके फोटो आप जब म्यूजियम में देखोगे तो आश्चर्य करेंगे कि महाराणा प्रताप ने तलवार का वार यहां पर किया था उस मुगल सेनापति के, उसके शरीर के दो हिस्से किए और जिस घोड़े पर बैठा था उस घोड़े को भी दो हिस्सों में काट दिया, इतना तेज वार तलवार का। तो फिर हम क्यों साबू के पीछे पड़े, सुपरमैन के, बैटमैन के पीछे पड़े? अपने पास बहुत सारे भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है ना, इतने सारे। खुदीराम बोस है, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में अंग्रेज की बग्घी पर बम फेंका था उसने, फांसी की सजा हुई। तो छोटे छोटे से क्रांतिकारी हो गए, है ना। ये बिटिया बेटी है, इससे थोड़ी सी बड़ी उम्र की मीना थी, तात्या टोपे की बेटी। मीना ने क्या किया, अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया तो कहा कि तुम्हारे पिताजी का पता बताओ, क्रांतिकारियों का पता बताओ, नहीं बताया। उसको जिंदा एक पेड़ पर बांध करके और जिंदा जला दिया आसपास लकड़ियों से। लेकिन उसके बाद भी उसने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का पता नहीं बताया। कितनी छोटी सी उम्र थी मीना की, है ना। तो ऐसी कहानियां हम चाहते हैं कि आप सब बच्चे पढ़े, और ये सब सच में हीरो थे, ये है ना, रियल हीरोज थे ये अपनी लाइफ के। तो ऐसे वास्तविक नायकों को आप सबको बताना, ये देवपुत्र का उद्देश्य है, और आगे भी हम इस काम को लगातार करते रहेंगे, ठीक है। आजकल हिंदी भाषी उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके दुष्प्रभावों से दर्शकों को अवगत कराए, साथ ही यह भी बताए कि इसमें सुधार के लिए क्या संस्कृत शब्दों की सहायता ली जा सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हालांकि इसका उत्तर में अभी अगर वास्तव में जैसा उत्तर होना चाहिए वैसा दिया तो आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा, लेकिन फिर भी एक बात बताता हूं। मैंने जैसे बताया था ना कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत और हिंदी दोनों बहुत उपयोगी है, पूरी दुनिया ने इस बात को माना है ना। उसका कारण कैसा है पता है आपको? क्योंकि ये भाषा वैज्ञानिक है, अपनी जो भाषा हम बोलते हैं ना वो वैज्ञानिक भाषा है ना। क्या होता है, आप सबने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अपन सब अनाराम पढ़ते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, च छ ज झ ञ पढ़ते हैं ना। तो हमारी जो भाषा शुरू कहाँ से होती है, अक्षरों से होती है, जिसको हम वर्ण कहते हैं। ये सारे के सारे अक्षर जो हैं ये अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों के उपयोग से बोले जाते हैं। भाषा को बोलता कौन है, मनुष्य बोलता है। भाषा बोली जाती है हमारे इतने हिस्से से, ठीक है ना। तो हमारे वैज्ञानिक रूप से हमारे मुंह से जो वाणी निकलती है उससे जो अक्षर और जो शब्द निकलते हैं वो अलग अलग प्रकार से बनते हैं। जैसे आपको सरल तरीके से बताता हूँ, है ना, अपनी भाषा में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको हम ओष्ठ कहते हैं, होठों से निकलते हैं। आपने कभी ध्यान दिया नहीं होगा, प बोलो जरा, प क्या क्या कैसे बन रहा है, प, तो दोनों होठ मिले और प बना, फ ब भ म बोलोगे आप तो वो कहां से बनते हैं, होठ से बनते हैं। लेकिन आपने कहा ल ल, अब ल जब हमने बोला तो ल क्या हुआ, जीभ हमारी ऊपर तालू पर स्पर्श हुई, है ना। ये जब हम टच करते हैं बोलो ल, है ना, ऐसा ही। तो हमारे यहां पर क्या है कि एक एक अक्षर को बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है। और तो और इनका जब उच्चारण हम करते हैं तो उच्चारण में जैसे कुछ दीर्घ श्वास होते हैं, अपनी सांस हम लेते हैं तो अपनी ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ ये चिन्मय ने कितने अच्छे से सांस ले भी ऐसा करके। तो ये जो सांस जब बाहर निकलती है तो आपको शायद कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हमारे जो अक्षर है ना, जोर की सांस बाहर लेते हैं तो अलग अक्षर निकलता है, धीरे से सांस बाहर छोड़ते हैं तो दूसरा अक्षर निकलता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने कहा स, स सरोते का बोला, बोलो जरा स स। अब आप देखना स में कितनी सांस बाहर निकली, स वो थोड़ी सी। अब मैं आपको कहता हूं श शकर वाला बोलो, श श, थोड़ी सी ज्यादा सांस निकली कि नहीं।
अब मैं आपको कहता हूं ष षटकोण का बोलो, सब अक्षर अलग अलग है ना, अब ष षटकोण का बोलोगे तो सबसे ज्यादा सांस बाहर निकलेगी, ष, आवाज देखो कैसी आती है, है ना, कितनी सांस बाहर निकली, तो स श और श, है ना, तो इसको हम कहते हैं हिंदी में दीर्घ श्वास, अल्प श्वास, ऐसा है ना, थोड़ी सी श्वास से लेते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक लिपि है, इस वैज्ञानिक लिपि के कारण से हमारी भाषा दुनिया की श्रेष्ठतम भाषा है, ठीक है ना। अब इसमें एक बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि हम दूसरी भाषाओं के शब्द बोलते हैं, तो आप सबको केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमको सबसे पहले यह तय करना पड़ेगा कि हम अपनी मां का सम्मान कितना करते हैं। जो बच्चा अपनी मां का सम्मान नहीं करता है, वो अपनी मौसी का, अपने पड़ोस वाली मौसी का, काकी का, चाची का सम्मान कैसे करेगा, ठीक बात है ना। तो दूसरी भाषाएं हैं, वो मौसी हैं, काकी हैं, चाची हैं, सब है, उनका सम्मान तो करेंगे हम, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान हमको किसका करना पड़ेगा, हमको सबसे ज्यादा सम्मान अपनी माँ का करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारी माँ कौन है, संस्कृत हमारी माँ है, हिंदी हमारी माँ है, हम इसको मातृभाषा कहते हैं, है ना। तो इस भाषा का सम्मान करना, और दूसरी भाषा के शब्द लेने का प्रश्न आपने किया है ना, आपने कहा था ना कि दूसरी भाषा, आजकल उर्दू के, फारसी के शब्द हम लेने लग गए, अंग्रेजी के शब्दों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, अपनी ये जो हिंदी भाषा है ना, इस हिंदी भाषा में कितने शब्द है आपको पता है, किसी को मालूम है क्या, 35 लाख शब्द है हिंदी भाषा में। वो कर लिया ना आपने, ऐसा हमको भी लगता है, जब पता लगता है कि 35 लाख शब्द है, तो और अब हम लोग जो हिंदी बोलते हैं ना, दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक जो हिंदी हम बोलते हैं, उस हिंदी में 35 लाख में से हम 27 लाख शब्दों का उपयोग करते हैं, 27 लाख शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी के शब्द हम उपयोग करते हैं, अंग्रेजी में कितने शब्द पता है, केवल 26,000 शब्द। और अंग्रेजी का बड़ा से बड़ा विद्वान सुबह से लेकर रात तक जितना बोलता है, जितना लिखता है, जितना पढ़ता है, तो कुल मिलाकर के 3,500 शब्दों का प्रयोग करता है, केवल 3,500 शब्दों का, जबकि हम कितने शब्दों का प्रयोग दिन भर में करते हैं, 27 लाख शब्दों का प्रयोग हिंदी बोलने वाले लोग दिन भर में कर लेते हैं। तो बताओ कौन सी भाषा बड़ी हुई, हिंदी बड़ी हुई ना, तो हमको जरूरत ही नहीं है दूसरी भाषा के शब्द हमको उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं, हमारे पास जितने शब्द है इतने शब्द दुनिया की किसी भाषा के पास नहीं है, ठीक है ना। तो जब हमको ऐसा लगे कि अब नया युग है, कंप्यूटर, मोबाइल, ऐसे शब्द हैं कि ये शब्द संभवतः हमारे पास हिंदी में है, तो सही, सारे शब्द हैं हमारे पास, लेकिन हो सकता है कि हमको आते नहीं है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हमको ऐसा लगता है कि कुछ शब्द बाहर से लेना जरूरी है ना, तकनीकी शब्द हैं, तो वो हम दूसरी भाषा से ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रयोग हमको बातचीत में ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना, और हिंदी अच्छी सीखने के लिए संस्कृत भी सीखना चाहिए, बिना संस्कृत सीखे हम बहुत अच्छी हिंदी कभी नहीं सीख सकेंगे। और कोई प्रश्न है, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि देवपुत्र को प्रचारित करने में और लेखन कार्य में कैसे सहायता कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, आप जैसे बच्चों को हम लोग कहानी लिखना, कविता लिखना, ये सब सिखाने की कार्यशालाएं भी यहाँ पर करते हैं देवपुत्र के माध्यम से, पूरे देश भर में जाते हैं, मध्य प्रदेश में तो ज्यादा मात्रा में होती है, और आपके विद्यालय में भी आएंगे, आप जब कहोगे तब आ जाएंगे, है ना, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए, लिखने का प्रयास जरूर करना, छोटी छोटी सी कविता लिखना, छोटी छोटी सी कहानियां लिखना, है ना। तो अभी केवल इतनी सी टिप्स दे रहा हूँ कि भाषा हमारी अच्छी रखना, तो इसके लिए आप लोग आजकल आपके विद्यालय में क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, ये क्रिएटिव राइटिंग यही है, अपनी ओर से कुछ लिखना, नया लिखना, है ना, जिसको हम मौलिक लेखन कहते हैं। तो ये लिखने के लिए, अभ्यास करने के लिए, है ना, मैं भी, आप कहोगे कि अभी मैंने कहा कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना, लेकिन आप लोगों से बातचीत करते हुए मैं जानबूझ करके अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, आपको शायद अभ्यास शब्द एकदम समझ में नहीं आए कभी, इसलिए, है ना। तो कोशिश ये करना कि अपने कुछ अच्छी रचनाएं लिखने की कोशिश करना, और उसके लिए एक सरल तरीका बताता हूँ, है ना। सरल तरीका ये रहता है कि हमको किसी ने कोई कहानी सुनाई, ठीक है, घर के बड़ों ने सुनाई किसी ने, या हमने जैसे विवेकानंद जी का एक प्रेरक प्रसंग पढ़ा, उस प्रेरक प्रसंग को फिर से पुनर्लेखन करना, फिर से लिखना, रीराइट करना, ठीक है, यहां से शुरू करना। ये जब आप करना शुरू करोगे तो धीरे 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 अपने मन में जो विचार आते हैं उनको लिखना शुरू कर दोगे। फिर क्या करना, सरल विषय लेकर के लिखना शुरू करना,
है ना, ये जो क्रिएटिव राइटिंग जिसको हम कहते हैं ना, रचनात्मक लेखन, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि छोटे छोटे विषय। अब मैं आपको बता, आप कहोगे छोटे विषय कौन से, आतंकवाद पे लिखने की जरूरत नहीं है, दहेज प्रथा पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े विषय होते हैं, बड़े लोग सोचेंगे। हम छोटे छोटे हैं ना, हमारा घर में गिलास छोटा सा है, हमारी घर में भोजन करने की थाली छोटी सी है, माँ ने घर में एक छोटी सी मटकी हमारे लिए लगा रखी है पानी पीने की, तो हमारी सब चीजें छोटी छोटी है, तो हमारे विषय भी छोटा होना चाहिए, हमारी कहानियां भी छोटी होना चाहिए, कविता छोटी होना चाहिए। तो विषय छोटे कैसे होंगे, तो आप फूल पर लिखेंगे, फूल तो देखते हैं ना अपन पौधों पे, फूल को देखना, उस पर हम क्या लिख सकते हैं, दो लाइन लिखेंगे, चार लाइन लिखेंगे, वो उतना लिखना। पत्तियों पर लिखना, कभी अगर हमने भंवरा देखा, मधुमक्खी देखी, पेड़ पर बैठा हुआ तोता देखा, चिड़िया देखी, उस पर लिखने की कोशिश करना है ना। और ऐसे विषय लेने का प्रयास करना है कि जो बहुत सरल हो। एक सबसे अच्छा विषय बताता हूं, आप एक दो तीन चार पांच भैया बहन के लिए एक विषय देता हूं, आप आज ही विद्यालय जाओगे अभी लौट करके, फिर वहां से जब अवकाश हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद घर जाएंगे, घर जाकर के एक ऐसा विषय आपको बताता हूं जिस पे हम सब लिख सकते हैं, और वो विषय मां। बताओ, अच्छा मां पे कौन नहीं लिख सकता, अपनी माँ को नहीं लिख सकते, माँ को तो सब जानते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था, माँ पे सब लिख दो, आप भी लिख सकते, चिन्मय भी लिखेगा, बिटिया भी लिखेगी, तो सब आज जाकर के माँ पर दो तीन चार लाइन लिखना। आपको लगेगा अरे तीन चार लाइन क्या, हम तो 40 लाइन लिख सकते हैं, अपनी माँ पे लिखना हो तो है, माँ हमारे लिए भोजन बनाती है, माँ हमको प्यास लगती है, हम कहते नहीं उसके पहले माँ ला के पानी पिला देती, माँ को कैसे पता लगता है, माँ पानी पिला देती है, माँ खूब अच्छा अच्छा हलवा बनाकर खिलाती है, माँ सब्जी काटती है, हमको स्कूल जाना रहता है तो हमारा टिफिन हमको सुबह 7:30 बजे चाहिए रहता है, 8 बजे चाहिए रहता है, माँ सुबह 5 बजे से उठ जाती है, उठ करके हमारे लिए टिफिन बना देती है, कितना काम करती है, रात को नींद आती है, हमको सोफे पे टीवी देखते देखते नींद आ गई तो माँ हमको उठा कर ले जाकर के बिस्तर पर, ऐसी सारी छोटी छोटी चीजें लिखना, आप देखोगे एक पन्ना दो पन्ना भर जाएगा माँ पर लिखना है, तो सब लिखना, ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है, ठीक है। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलते आए, देखा आपने है ना, और देवपुत्र पढ़ना जरूर सब बच्चे, ठीक है।